नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर हम ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे थे जो पिछले किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसी का आज मैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड नंबर लेकर आया हूँ। आज मैं टोटल 4 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ। यदि आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी पीडीएफ के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी कंप्लीट प्रोसीजर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप इसको समझ के ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं आज का जो थर्ड पार्ट है उसके पहले न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है डोमेस्टिक फूड फ्रीजर, एक फ्रीजर है, मेंटेन अ टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है? -15 डिग्री सेल्सियस। द एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। जब भी दो टेम्परेचर दिए हैं उनमें कंपेयर करना है कि T1 कौन सा है, T2 कौन सा है। तो T2 हमेशा माइनस वाला होता है, मतलब कम टेम्परेचर हुआ T2 होगा, और जो T1 कौन सा होगा, जिसका ज्यादा टेम्परेचर। तो T1 T2 हमें मालूम पड़ गए, ये क्या है T2 और ये क्या है T1। इफ हीट लीक इनटू द फ्रीजर एट द कंटिन्यूअस रेट, और जो फ्रीजर के द्वारा हीट लीक की जा रही, मतलब बाहर रिजेक्ट की जा, बाहर मतलब सप्लाई की जा रही, जिससे कि अंदर की फूड हमारे क्या हो सके, ठंडे हो सके, तो वह तो उससे बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये होता 1.75 किलोजूल पर सेकंड, जो कि न्यूमेरिकल में दिया है। तो इसको बोलते हैं Q2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये Q2 दिया है, फिर बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है। आई बोला था लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप, इसको चलाने के लिए हमें कितनी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिस हीट कंटिन्यूअसली विल बी नियरली, या हीट कंटिन्यूअसली हमारी सप्लाई होती रहे बाहर। तो इसको सबसे पहले मैं पहले न्यूमेरिकल में एक डायग्राम भी समझाऊंगा रेफ्रिजरेटर का, जिससे आपको आगे जो न्यूमेरिकल समझाऊंगा उसमें बार बार ना बनाना पड़े। चलते हैं इसको समझ लेते हैं। तो गिवन डाटा भी मैं वहीं पर लिख दूंगा, ध्यान से समझें। यहाँ पर हमने मान लिया क्या है, एक हॉट बॉडी मतलब इन्वायरमेंट है मेरा, इसको मैं हमेशा क्या मानती हूँ T1, याद रखें। अब यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे, हमने क्या लगा दिया, एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया, एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया। और नीचे क्या हमने मान लिया, जिस बॉडी को हमें ठंडा करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारी जो रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला भाग, तो ये क्या हो गया T2। अब जो रेफ्रिजरेटर यहाँ से हीट को हम क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होता है वह जिस बॉडी को हम ठंडा करना है उससे हीट को लेता है, तो मतलब इधर से खींचेगा। तो एक जो यहाँ T2 है, तो ये क्या हो जाएगा Q, और बाहर एनवायरमेंट में रिजेक्ट करता है। T1 क्या एनवायरमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा Q1। इसके ऊपर रेफ्रिजरेटर ऊपर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देते, क्या करते हैं हम पावर आउटपुट देते हैं, और हमारा वर्कडन इसके ऊपर किया जाता है, इस तरह का बनता है। अब यहाँ पर वर्कडन का जो फॉर्मूला होता हुआ है क्या होता है, Q1 - Q2, या टेम्परेचर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा T1 - T2। अब जो रेफ्रिजरेटर की COP क्या निकालते हैं, हम COP निकालते हैं रेफ्रिजरेटर की COP, है ना, इसको हम COP लिख देते हैं COP, और ऐसा बंद करके हम यहाँ पर R लिखते हैं। इसका होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ऐसा लिखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या होता है वर्क डन या पावर इनपुट। इसको और रेफ्रिजरेटर इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट किससे होता है, Q2 से निकलता है, और W की जगह हम W भी लिख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम टेम्परेचर फॉर्म में लिखें तो Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, जबकि W की जगह क्या है यहाँ पर Q1 - Q2 या T1 - T2। T1 ऊपर लगा तो नीचे भी T1 - T2 लिख दिया। इस तरह हमें इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूले से रेफ्रिजरेशन की COP निकाल सकते हैं। अब यहाँ T1 देखो, T1 दिया हुआ है, कितना दिया यहाँ पर, तो 30 डिग्री सेल्सियस जो हमने बताया अधिकतम टेम्परेचर। हमेशा इसको डिग्री सेल्सियस को हम किस में केल्विन में चेंज करते हैं, 273 का प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। अब इस तरह T2 निकालेंगे तो T2 हमारा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है, कहाँ ए दिया हुआ है -15 डिग्री सेल्सियस, तो -15 दिया तो 15 रख देंगे प्लस 273 का प्लस कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 258 केल्विन, जो कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 258 केल्विन है, जो मैं पहले ही कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो हीट लीकेज हो रहा, मतलब जो बॉडी ठंडी है रेफ्रिजरेटर से लीक हो रही, रेफ्रिजरेशन किस चीज को रिजेक्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट करता तो क्या होता है Q1 होता है, लेकिन इससे लीक हो रही रेफ्रिजरेटर से लीक हो रही, तो क्या होगा Q2 के रूप में। तो जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया, ये लिखा हुआ है 1.75, ठीक है किलो जूल पर सेकेंड है, तो यहाँ पर किलोवाट जूल पर सेकेंड वाट होता है,
और किलो की जगह किलो, तो इसकी भी यूनिट चेंज नहीं करना। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पावर निकालना है। इस फॉर्मूले को देखें, यहाँ पर सीओपी सीधा रखें जो हमने ऑलरेडी लिख चुके, तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सीओपी ऐसा लिखें आप हमेशा, और यहाँ पर आर लिखें। इसके बाद यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसको ऐसा लिख के रख लें जिससे आपकी हैबिट बन जाए, और डब्ल्यू लिख लें। आगे लिखें हमेशा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्यू टू लिख लें, और नीचे क्या लिख लें जब डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू ही लिख दें। सो ए वर्क डन है ना, क्यू टू की जगह यहाँ पर हम टी टू लिख दें, जबकि नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे टी वन माइनस टी टू। अब इसमें हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया हुआ है, क्यू टू दिया है 1.75, उसकी जगह उसको रख दें। वर्क डन की जगह जो पावर इनपुट निकाल रहे वर्क डन वो डब्ल्यू रख दें। टी टू यहाँ पर तो नीचे ऊपर हमने ये निकाला हुआ 303 अपॉन क्या हो जाएगा टी वन की जगह फिर से 303 रख देंगे माइनस 258 जो टी वन नीचे यहाँ पर हमने निकाला है। अब हमें यहाँ पर टी वन निकला है, यहाँ पर टी टू निकला है, तो इनकी वैल्यू देख लें। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सभी लोग कर सकते हैं, मैंने जो कैलकुलेट करके रखा उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब इसकी 1.75 की जगह 1.75 रखते हैं, नीचे हम वर्क डन का रखते हैं। ये 303 है, इसमें से हमें इसको घटाना, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, लगभग 45 आएगा, और 45 का इसमें डिवाइड करते हैं, तो 45 का क्या इसमें डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू आ रही है 5.73। अब हमें इसको निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको वर्क डन को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, कैसे देख लें, वर्क डन अपनी जगह रहेगा 1.75 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5.73। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 0.305 किलोवाट। तो ये जो देखेंगे 0.35 इसी वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा किस तरह मैंने कैलकुलेट किया। अब मैं इस डायग्राम को, रेफ्रिजरेटर को जो डायग्राम बनाया इसकी प्रॉब्लम समझाया, इसको मैं आगे वाले न्यूमेरिकल में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसको एक बार समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है एन इंडस्ट्रियल हीट पंप। तो यहाँ ऊपर अगर रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर हीट पंप की बात कर रहा है, इसको भी ध्यान समझे। ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 13 डिग्री सेल्सियस, याद रखें माइनस, इन दोनों के बीच में ऑपरेट हो रहा है। सिंपल से हमें कंसेप्ट वही रखना है कि जो माइनस है या जो कम टेम्परेचर हुआ है हमेशा क्या होगा टी टू होगा, जो ज्यादा टेम्परेचर हुआ है टी वन होगा। द रेट्स ऑफ हीट एडिशन एंड हीट रिएक्ट, हीट एडिशन एंड हीट रिएक्ट यहाँ वैल्यू दी 750 वाट एंड इतने वाट रिस्पेक्टिव, तो सीओपी ऑफ हीट पंप निकालना है। तो यहाँ पर हमें ये हीट रिजेक्ट और हीट एडिशन समझना होगा डायग्राम के थ्रू, तो उसको मैं समझा देता हूँ। तो मैं हीट पंप का डायग्राम समझा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझ लें। उसी तरह इसमें हीट पंप क्या करता है, जैसे उसमें ठंडी बॉडी को मेंटेन करता है, यहाँ पर हॉट बॉडी को मेंटेन करता है, मतलब हम किसी चीज को गर्म करके रखते हैं। तो एक टी वन टेम्परेचर हो गया, तो नीचे आएंगे तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक हीट पंप लगा दिया जिसके थ्रू इस पूरा प्रोसेस हो रही है। हीट पंप लग गया, नीचे क्या लगा दिया हमने, हमारी एक बॉडी लगा दी जिसका टेम्परेचर कैसा है, कम है, ठीक। अब यहाँ पर हमें इस बॉडी को मेंटेन करना है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम मेंटेन करते हैं तो ये हमारी नीचे वाली इन्वायरमेंट मान जाती है, तो यहाँ से क्या करेगा वो हीट इस खींचेगा ऊपर की ओर, तो ये किसके रूप में हो जाएगी, क्यू टू के रूप में, क्योंकि यहाँ पर टी टू है, और रिजेक्ट और जो हमारी भार है इसको जिसमें दे रहा हुआ है किसके रूप में होगी, क्यू वन के रूप में होगी, और यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा। अब इसकी जो सीओपी निकालते किसकी, हीट पंप की, तो हम समझा दें अभी सीओपी, ये वर्क डन तो सेम होता क्या होता है टी वन माइनस टी टू, या फिर क्या होता है क्यू वन माइनस क्यू टू, अगर हम हीट के फॉर्म में करें सीओपी। अब यहाँ पर सीओपी हम ऊपर नीचे लिख देते, सीओपी यहाँ पर अच्छे से लिखें और हीट पंप लिखें ऐसे। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब जितना हमें इफेक्ट चाहिए, जितना गर्म रखना, अपॉन क्या होता है वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर याद रखें जिस इस बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं इसको हीट कितनी मिले, क्यू वन, हमेशा याद रखें जो हीट मिलती है जिसको बॉडी को हम मेंटेन करने पड़ती है उसका ही टेम्परेचर लेते हैं और उसकी ही हम हीट लेते हैं, तो इसको हीट कितनी दी जा रही है, क्यू वन। तो डिजायर्ड इफेक्ट किससे आएगा, क्यू वन से आएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू वन माइनस क्यू टू, इसको हम टेम्परेचर फॉर्म में भी लिख सकते हैं टी वन अपॉन टी वन माइनस टी टू, तो इस तरह ये फॉर्मूले बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, टी वन टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया, यहाँ पर देख लेते हैं 27, तो इसको हमें केल्विन में चेंज करना होगा, 27 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 केल्विन। नीचे वाला देखेंगे कितना दिया हुआ है, माइनस
प्लस 273, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आएगा 260 केल्विन। तो T1 T2 दोनों टेम्परेचर है। अब हीट देखें, हीट जो यहाँ पर दिए देखो, Q2 दिया है Q1 दोनों हीट दिए, इसको हमें समझना होगा Q2 क्या दिया हुआ है Q1 क्या दिया हुआ है। देखो अब बात कर रहा है हीट एडिशन और हीट रिजेक्ट की, तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा पहला हीट एडिशन फिर लिखा हीट रिजेक्ट, तो ये क्या है 750 और क्या कर रहा है 1000 हीट रिजेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये क्या इससे हीट ले रहा है, तो हीट ऐड कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके हीट पंप को जो हीट दी जा रही है हीट ऐड करना होता है, ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर हीट पंप द्वारा रिजेक्ट की जाएगी, तो यहाँ से तो हीट को ले रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी 750, ठीक है, और बांट दिए यूनिट दिए। अब यहाँ पर हीट पंप के द्वारा रिजेक्ट की जा रही, तो इसलिए क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा कितनी 1000 वाट, या दोनों को समझ गए। तो हीट रिएक्ट बोला, रिएक्ट का मतलब होता है हीट पंप के बाद रिएक्ट किया जाता है, हीट पंप रिएक्ट करेगा ये हो जाएगी, जबकि वो ऐड कर रहा है, तो ऐड कहां से हो रही है एनवायरमेंट से, तो ये हो गई Q1। अब ये सारी वैल्यू हम पता चलेंगे, तो हमें क्या करना है, क्या निकालना है COP ऑफ हीट पंप, ऐसा लिख ले, हीट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं हम और किसके फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर दोनों दिया है, हीट के फॉर्म में हम निकाल के दिखा देते हैं, तो ये क्या हो गया 1000 हो जाएगा Q1 जो ऊपर दिया हुआ है, मैं बता चुका हूँ यहाँ पर ये Q1 दिया है और QA और फिर क्या हो जाएगा Q1 - Q2, तो नीचे टेम्परेचर ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, देख -750, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1000 ऊपर ही रहने दें, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 250, इसको माइनस कर दें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 ही आंसर मेरा आया, तो ए लगा सी वाला ऑप्शन राइट है। उम्मीद है ये भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। यदि किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी, उसमें डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर उसको क्या करेंगे, जो भाषा चुनेंगे आप इंग्लिश, उसके बाद दो बार स्किप कर देंगे तो टेक मी टू द टेस्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आगे इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसमें साइन अप भी कर सकते हैं, साइन अप करेंगे तो उसमें अपनी डिटेल्स भर के जो OTP जाएगी वो आपके ईमेल आईडी के सोशल में जाएगी, जहाँ सोशल लिखा जाता है, या फिर फेसबुक और गूगल के थ्रू आप हमारे डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद जब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ लिखा पॉपुलर एग्जाम पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें ऑल एग्जाम कैटेगरी जानना, ऑल एग्जाम कैटेगरी क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हमें DRDO की एग्जाम की तैयारी कर रहा है या RACC से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, तो गवर्नमेंट एग्जाम DRDO पे क्लिक कर, इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वह इस तरह DRDO का आएगा, तो DRDO क्लिक कर दो, नीचे देखें RAC ऑटोमोबाइल लिखा होगा, तो ये RAC ऑटोमोबाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, एक एग्जाम के लिए आएगा कि आप प्रिपरेशन, रेड कलर में लिखा आएगा प्रिपरेशन टू एग्जाम, यहाँ नीचे एक साइट आएगा, तो नीचे साइट आएगा उस पर क्लिक कर देंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको होम पे जाना है, तो यहाँ पर क्यूज वगैरह दिए रहते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट पर जाना है देखा, टेस्ट पे जाना है आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ई बुक पे जाना जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर PDF के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर मैंने डालना स्टार्ट किए हैं अभी, तो वो भी कंप्लीट करा देंगे, तो वीडियो लेक्चर यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें लिखा है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मेंटेन अ टेम्परेचर -20°C, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है याद रखें, जो कि ऊपर समझा चुका हूं मैं डायग्राम पर, तो यहाँ पर सीधा 82 हो जाएगा, द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इज 25, मतलब अधिकतम वाला क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, इफ हीट लीक इनटू द रेफ्रिजरेटर एट द कंटिन्यूअस रेट ऑफ हीट, रेफ्रिजरेटर में के अंदर हीट लीक हो रही है वह कितनी 1 kJ/s होगी, द लीस्ट पावर रिक्वायर्ड टू पावर, पावर ही निकालना है तो उसको हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने फॉर्मूले वगैरह समझाया तो इसमें नहीं समझाएंगे, इससे आपका थोड़ा समय और बच जाए। तो यहाँ पर सीधे हमें क्या करना है, COP हम सबसे तो T1 T2 निकाल के रखते हैं, इससे आपको आसानी हो, यहाँ पर T2 लिखते हैं सबसे पहले -20°C प्लस 273, इसको जब हम माइनस करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 253 केल्विन, और T1 हो जाएगा जो अधिकतम टेम्परेचर कितना दिया 25 दिया हुआ है प्लस 273, तो ये हो जाएगा जो मेरी 290 कितना हो जाएंगे चाहिए, इसमें से ऐड कर देंगे तो 298 है ना, 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, और आगे क्या दिया Q2 दिया, हीट रिजेक्ट कर रहा है तो कितना हो जाएगा 1 kJ/s। अब हम जानते हैं COP, ऊपर मैंने समझाई थी क्या हो जाएगा COP, इसकी रेफ्रिजरेटर फॉर्मूला वही रखें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या होता है वर्क डन या पावर इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस किससे रिप्रेजेंट करते Q2 से,
W हमें निकालना है, W की जगह। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब Q2 को हम T2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि वर्क डन क्या होता है T1 माइनस T2। बस अब हमें इन दोनों को लेके चलना है, तो Q2 की जगह कितना रख देंगे, अब यहाँ पर देखें वाट लिखा, किलो वाट लिखा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वन की जगह इसको और चेंज भी कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, 1 × 10³ जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, क्योंकि ये वाट होता है, तो किलो वाट अब की जरूरत पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इसको चेंज करते हुए चलेंगे। तो 1 × 10³ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, अपॉन वाट हो जाएगा। अब T2 क्या हो गया, T2 यहाँ पर दिया कितना दिया है, 253 अपॉन T1 माइनस T2 कितना दिया है, 298 माइनस 253। अब हमें क्या करना है, इसकी 253 की जगह 253 रहेगा, जबकि इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे मैन जो घटाया हुआ आ रहा है 45, इस वैल्यू में 45 पर डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5.622। अब यहाँ पर देखें वन क्या दिया हुआ है, 1000 बटे वर्क डन अपॉन 5.622। अब हमें इसको निकालना तो ये यही रहेगा, जबकि ये नीचे आ जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा अपॉन 5.622। अब इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो मेरे आंसर के अकॉर्डिंग आ रहा है 177.7। तो इसको जब हम अप्रोक्सीमेट जो जिस तरह आंसर दिए तो कितना हो जाएगा, 180 वाट याद रखें, 180 वाट का हमारा जो आंसर दिया कितना है, 180 वाट, यहाँ पर सही से लिख देता हूँ मैं अप्रोक्सीमेट 180 वाट, तो 180 वाट कौन सा बी वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और है तो उसको भी समझते हैं, तो नेक्स्ट और ये लास्ट न्यूमेरिकल लिखा है, कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट हीट, ये क्यों कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है, तो हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिजेक्ट हीट कितनी, 120 किलो वाट, व्हाइल कंप्रेसर कंज्यूम पावर ऑफ 30 किलो वाट, दोनों किलो वाट दिए उससे कोई मतलब नहीं, हमें यूनिट मतलब चेंज नहीं करना है, ये पावर कंज्यूम दिए मतलब वर्क डन दिया हुआ है, तो ये वर्क डन हो गया, जबकि हीट रिजेक्ट, अब देखो एवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर इनटू द रेफ्रिजरेटर लिखा रहता है, उसके अंदर जब हीट रिजेक्ट की जाती है, हीट रिएक्शन होता तो क्या होता है, Q2 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता, लेकिन ये कंडेंसर के द्वारा की जा रही है, सिस्टम है ना, तो सिस्टम के द्वारा हुआ है क्या हो जाएगा, बाहर एनवायरमेंट में, तो क्या रेफ्रिजरेटर के द्वारा बाहर की जाती है, उसके हम बोलते हैं Q1, जैसा कि डायग्राम ऊपर बता चुके हैं। अब यहाँ पर Q1 दिया हुआ है, याद रखें Q1 दिया हुआ, वर्क डन दिया, इससे हमें COP निकालना है, कैसे निकालते समझ लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, पहले तो वर्क डन दिया हुआ है 30 किलो वाट जो पावर लिखा, फिर दिया है Q1 दिया है 120 किलो वाट, हम COP निकालना है रेफ्रिजरेटर की, तो उसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, COP अभी ऊपर भी बता चुका हूँ क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, Q2 अपॉन वर्क डन, वर्क डन दिया Q2 की जरूरत है, हम जानते हैं क्या होता है वर्क डन इक्वल टू वैसे क्या होता है Q1 माइनस Q2, वर्क डन कितना दिया यहां पर देखें 30 लिख देंगे, Q1 कितना दिया 120, हमें Q2 निकालना है, अब यहां पर Q2 अगर निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना दिया, सॉरी 120 है, 120 120 माइनस 90 हो जाएगा, सॉरी 30, 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा 90 किलो वाट, तो समझ में आया, सिर्फ हमें क्या करना है, ये वर्क डन का फॉर्मूला निकाल हम जो अप्लाई कर देंगे, ये वाला W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो इसमें Q1 की वैल्यू दी है और हमारे वर्क डन की दी, तो हमने Q2 निकाल लिया कितना 90। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे Q2 इक्वल टू कितना गया हमारा 90, वर्क डन कितना दिया है हमारा 30, ये कट जाएगा कितने बार जाएगा 3 बार, थ्री हमारा उसमें यूनिट नहीं दिए और इसकी भी एक दूसरे से यूनिट कट जाएगी, 3 मतलब क्या है, डी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। उम्मीद है जो भी न्यूमेरिकल बताए मैं वो आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।